कि कैसे मैंने स्पिनी से गाड़ी खरीदी थी। और वो जो लोग वारंटी बोलते हैं, 1 साल की वारंटी, वो रियल में देते हैं सर्विस या नहीं देते बंदे को। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माई अनदर ब्लॉग। तो स्वागत आप सभी लोगों का मेरे चैनल पे। और आज मंडे था तो ऑफिस गया था सुबह, अभी ऑफिस से आ चुके हैं। आज बहुत सारा काम किया ऑफिस में, मैं आपको आगे चल के कुछ क्लिप्स दिखा रहा हूँ ऑफिस की भी। अभी हम थोड़ी देर बाद जिम जाएंगे। अभी मैं थोड़ा केले वेले दूध दाद लेके आया था, तो एक बार थोड़ी मुझे गाड़ी साइड करनी थी, दूसरे भाई को गाड़ी निकालनी थी, तो इसलिए बस मैं गाड़ी में आ गया। तो सोचा कि एक व्लॉग डाल देता हूँ, और मैं दिन भर में मैंने आज क्या किया और जिम में जाने के बाद क्या करेंगे, वो सारी चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ इस व्लॉग में। तो आशा है कि आप सभी लोगों को मेरे व्लॉग पसंद आएंगे। तो ऐसे ही प्यार बनाए रखें, और आप सभी से निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और व्लॉग्स को शेयर करें। तो जब तक के लिए टाटा बाय बाय गाइस, सी यू। और हाँ, एक चीज़ और मैं बतानी भूल गया। कुछ दिन पहले मैंने मेरी गाड़ी में बैक कैमरा इंस्टॉल करवाया था, तो मैंने यहाँ पे कैमरे की वायरिंग गई थी यहाँ से, तो यहाँ से थोड़ी सी ये जो क्या बोलते इसको, मे बी रबड़ बोलते इसको, तो ये मुझे लग रहा है कि ये थोड़ी ही लीक हो गई, क्योंकि बारिश आई थी उस टाइम और थोड़ा थोड़ा पानी ना अंदर आ रहा था गाड़ी के, तो मुझे लग रहा था कि ये लीक है। तो मैंने यहाँ स्पिन पे कॉल किया, तो उन लोगों ने बोला कि हम इसको चेंज कर देंगे अगर ऐसी कोई दिक्कत होगी, क्योंकि अभी गाड़ी वारंटी में सारी, तो इसको चेंज करवा के आऊँगा और मैं दिखाऊँगा कि क्या प्रोसेस था मेल करने का, कॉल करने का स्पिन पे, कैसे उन लोगों ने मेरे से कॉन्टेक्ट किया और उन लोगों ने बोला कि चेंज करेंगे, मतलब सारा प्रोसेस मैं आप लोगों को बताऊँगा। तो देखते हैं अभी मेरे को कब टाइम लगता और मैं कब उनके पास जाऊँगा, तब जब भी इसको मैं चेंज करवाऊंगा मैं एक अलग से व्लॉग डाल दूंगा कि कैसे मैंने स्पिनी से गाड़ी खरीदी थी। और वो जो लोग वारंटी बोलते हैं 1 साल की वारंटी, वो रियल में देते हैं सर्विस या नहीं देते बंदे को, तो सारी चीज़ें मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो बस यही है दोस्तों, अब बस थोड़ा दूध वूध पी के केले वेले खा के अभी जिम के लिए निकलते हैं। तो मिलते हैं आपसे जिम के बाद। आज हमने मंगाया लंच में पनीर बन, और इसके साथ ही हमने मंगाया बर्गर जो कि हम पहले ही खा चुके थे मैं और आकाश। फिर हमने पनीर बन खाया, इसके बाद हम इसको ख़त्म करके वापस अपने काम पे लग गए। तो आप लोग देखिए, ये मैं काम ख़त्म करके रेस्ट करते हुए, और स्पेशल मैं अपने शूज़ दिखा रहा हूँ आप लोगों को, ये तकरीबन मैंने 1.5-2 साल पहले ख़रीदे थे और आज तक मैंने इसको बस 3-4 बार ही पहने हैं। तो आप लोग बताओ कैसे लग रहे हैं। इसके बाद मेरा काम ख़त्म हो चुका है, अब घर जाने की तैयारी है। तो मेरे ऑफिस के सामने आप देख सकते हो फार्मेसी की दुकान है। अब हम जिम के लिए निकल गए मैं और आकाश, तो मिलते हैं जिम के बाद। जिम से वापस आके मैंने बनाई है ऑमलेट। ऑमलेट तो क्या ही है, अंडों की भुजियाँ हैं, अच्छे से टमाटर प्याज घेर के, जो कि पीजी वालों से ही सहायता प्राप्त है, हमारा कुछ नहीं इसमें, हमारे सिर्फ अंडे है, बाकी सब पीजी वालों का ही है। फ्राईदान, चम्मच, घी, टमाटर प्याज सब इन्हीं का है। तो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ हमारा डाइनिंग एरिया, यहाँ हम बैठ के खाना खाते हैं और यहाँ पे हमें खाना मिलता है शाम को, ठीक है। इसके बाद मैंने मस्त भुजिया तैयार करी है, तो बस अब तैयार हो चुकी है, हम खाना खाने जा रहे हैं। और फिर ये हमारा डिनर रेडी हो चुका है, ऑमलेट के साथ रोटी, चावल, दूध, दाल, और ये पता नहीं किस चीज़ की सब्ज़ी है, मे बी घिया की हो सकती है या पता नहीं किस चीज़ की है, पर जो भी है ये हमारा डिनर रेडी है जिम के बाद, जो कि मैंने खुद से बनाया है ऑमलेट। बाकी सारी चीज़ें हमें पीजी से ही सहायता प्राप्त है, सुबह शाम का हमें खाना मिल जाता है, पर रोज़ चेंज होता रहता है मेन्यू पीजी में, तो खाने की कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे, खाना क्वालिटी भी अच्छी है और सेफ भी अच्छा है। बाकी कुछ एडिशनल हमें खाने का मन है तो हम खुद से बना सकते हैं उनके किचन में जाके, सामान भी मैं उन्हीं का यूज़ कर लेता हूँ, तो ऐसी कोई दिक्कत है नहीं। तो जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।